हाय, दिस इज सुमन फ्रॉम स्काई वॉचिंग वर्कशॉप कोलकाता। आज टेलीस्कोप नहीं को छोड़ के बाकी और एक डिवाइस लेकर आया हूँ। आपको देख के पता चल रहा है दिस इज नॉट टेलीस्कोप, दिस इज माइक्रोस्कोप। जो हम लोगों को आंखों से नहीं दिखता है वही सारा चीज देखने के लिए हम लोग ये माइक्रोस्कोप्स ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इन जनरल हम लोगों का स्कूल कॉलेजेस में मिलता है, लैब्स में, नहीं तो मेडिकल लैब्स में मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स, तो ये लेकर आज नहीं बात करूंगा। ये तो हम लोगों को मिलता ही रहता है हर जगह पे, है ना। तो हम लोग एक छोटा सा माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं माइक्रो माइक्रोस्कोप, उस माइक्रो माइक्रोस्कोप लेकर हम लोग आज बात करेंगे। माइक्रो माइक्रोस्कोप का जरूरत क्या है और क्यों हम लोग यूज करेंगे। इन जनरल हम लोग ऐसे देखें तो कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ करने के लिए हम लोग को स्कूल्स का जो लैब है, कॉलेज का जो लैब है, उसके ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ता है। हर चीज़ में हम लोग थोड़ा सोच के एक डिवाइस लेकर आए हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एकदम छोटा है, एकदम छोटा, पॉकेट के अंदर चला जाएगा। ये बच्चे लोगों के लिए भी हो सकता है, सब यूज़ कर सकता है। बहुत पावरफुल है, देखने में छोटा है बाकी बहुत बहुत पावरफुल है। तो आज ये माइक्रोस्कोप का डिटेल आपको बताऊंगा और ये हम लोग का स्टोर में अवेलेबल है। एनी टाइम आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका सबसे खासियत यही है, जैसे ये एकदम बहुत हल्का है, आप एक पॉकेट में रख के चल सकते हैं। सपोज़ बच्चे लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ चीज़ एकदम माइक्रोस्कोपिक देखना है, हाथ के सामने स्लाइड्स है, वो स्लाइड बना के आप इस माइक्रोस्कोप में डालिए और साथ साथ आप इसका आनंद उपभोग कीजिए। जितना छोटा छोटा चीज हम लोग खाली आंखों से नहीं देख सकते उसको इसका थ्रू हम लोग देख पाएंगे। वीडियो के एंड में कुछ क्लिप्स देखेंगे आप लोग, मैं इसमें डाल दूंगा। जो स्लाइड्स हम लोग बनाए हैं उसमें ऑनियन का इंटरसेक्शन है, वो ऑनियंस का स्ट्रक्चर सबको दिखेगा, फेदर का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, कोई भी बार्ड फेदर्स का स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें। अब देखेंगे उसका इतना छोटा छोटा चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये आपको दिखाते हैं, ये जो माइक्रोस्कोप, दिस इज द एरिया जहाँ पे आपको आँख डाल के देखना पड़ेगा। ये जो है दिस आर टू क्लिप्स, यहाँ पे स्लाइड्स आ जाएगा, स्लाइड्स यहाँ पे रह जाएगा एंड दिस इज द लाइट। आप देखेंगे यहाँ पे लाइट चल गया। ये जो लाइट है ये हम लोग का नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, नीचे से हम लोग को जो नॉर्मल लाइट जो आते हैं उसको हम एक नॉर्मल शीशा की शीशा को थोड़ा टिल्ट करके उस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे उसी चीज को एक अंदर से एक लाइट का प्रोसेस लगा दिया गया है। तो आप ये ऑन करेंगे तो आप देखिए ये लाइट आपको दिखाई देगा और नीचे से यहाँ पे वो लाइट आ जाएगा तो आपको देखने में आसान होगा। उस सपोज आपको थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए तो इसको बढ़ा के आप ब्राइट कर सकते हैं और इसको कम करके डिम कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होगा, उसका आपको विजिबिलिटी ऑफ दैट स्लाइड ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो नॉब है ये है आपका फोकस। सपोज आप कोई भी स्लाइड्स देख रहे हैं उस स्लाइड को प्रॉपरली एकदम क्लियर देखने के लिए आप इसको धीरे धीरे घुमाइए। तो जब आप घुमाएंगे तो ये जो माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है ये ऊपर नहीं छोगा, तो इसको जब आप घुमा के नीचे करेंगे तो जूम हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो ऊपर थोड़ा डिस्टेंस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी इसके थ्रू आप उसको क्लियर करके देख सकते हैं। तो नॉर्मल इसको फोकस नॉब बोलते हैं। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल किड्स जो कुछ चीज लेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, चाहती है, तो उन लोगों के लिए ये पॉकेट माइक्रोस्कोप इज वंडरफुल। और इसका प्राइस कांट इमेजिन, इसका प्राइस पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है। तो आप इसको गिफ्ट के पर्पस में आप यूज कर सकते हैं। बच्चे लोगों को थोड़ा आगे कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए यू कैन इनकरेज देम बाय गिफ्टिंग दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप, वेरी यूजर फ्रेंडली एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली आल्सो।
तो इस वीडियो के अंत में मैं कुछ स्लाइड्स का पिक्चर्स डालता हूँ, तो बाय दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।